जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड और पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज ने 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है, तो भारत के लिए गर्व की बात और भारत के गर्व की वजह बने हैं नीरज चोपड़ा। एक बार फिर से जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 88.17 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका और इस तरह से उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। और नीरज चोपड़ा कैसे विश्व विजेता बने ये भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से इस मुकाम तक वो पहुंचे। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया ओलंपिक में, लेकिन एक बार फिर से एक और उपलब्धि नीरज चोपड़ा के नाम। विश्व विजेता नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम किया नीरज चोपड़ा ने। और किसी भारतीय एथलीट ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, यह भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि की बात है। पहले राउंड में नीरज चोपड़ा ने फाउल थ्रो किया था, पहले राउंड में जब उन्होंने प्रयास किया तो फाउल थ्रो किया नीरज चोपड़ा ने। दूसरे राउंड में शानदार वापसी की, दूसरे राउंड में उन्होंने एक बार फिर से अपना दम दिखाया और दूसरे राउंड के बाद 88.17 मीटर के साथ वो टॉप पर काबिज हुए और इस तरीके से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और बात करें दूसरे स्थान की, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कड़ी टक्कर भी दी नीरज चोपड़ा को। अरशद नदीम 87.82 के मीटर के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, यानी पाकिस्तान से चुनौती मिली थी। चेक गणराज्य के जाकूब 86.67 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इन सबसे ऊपर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका सबसे दूर और भारत के नाम किया गोल्ड मेडल। ये देखिए तस्वीर। Neeraj Chopra really liked that. He looked brilliant. Would have probably had these three men to certainly come